हम लोग तो 10 सिंगर लेकर आ रहे हैं और 10 अगस्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई और शैल भाभी, ये एक्चुअली कोई भी प्रोग्राम करना होता है बहुत मुश्किल काम है। मैं कल का 2-3 दिन से सोया नहीं हूँ और आज सुबह जब अभी बल्कि 1 घंटा पहले सारे मेरे सिंगर्स प्लेन में बैठे हैं तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है। और सबसे पहला क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर रखा था, मुझे नींद बहुत आ रही है, लेकिन मैं सोया नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने प्रॉमिस किया मुझे जाना है वहाँ पे। अहमद भाई शैला भाभी जो है ना, ये हमारे लिए बहुत प्राउड है क्योंकि जितना काम जितने अच्छे तरीके से और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आप काम करते हैं, तो अहमद भाई आपका ही काम है। और ये जैसे मैंने पहले जिक्र किया, छोटा काम हो, छोटा शो या बड़ा शो, शो शो ही होता है, उसमें जो एफर्ट होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया मैं सोया नहीं हूँ, तो ये आपको लगता है ये बड़ा ईजी है, ये ईजी नहीं होता। ये लोग ये भी पिछले कई सालों से फ्री कर रहे हैं आपके लिए, और ये फ्री करने का मकसद यही है कि आप लोग आए और इन्जॉय करें। उसका कतन ये मकसद नहीं होता, कोई दिल में कोई लालच नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन मकसद एक ही होता है, हम अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चले, हमारी कम्युनिटी जब खुश होगी हमें भी खुशी होगी। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो किसी एक सिंगर को वहां पे लेकर आना, किसी भी जगह पे लेकर आना बड़ा मुश्किल काम है। हम लोग तो 10 सिंगर लेकर आ रहे हैं और 10 अगस्त और 6 सिंगर जो है पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो सारे के सारे इंशाल्लाह कल पहुंच जाएंगे यहाँ पे। और बाकी जो है 4 सिंगर यहाँ पे, फैसल अजय, मोहसिन शौकत अली खान है और शगुफ्ता गजल है, और इसके अलावा रणवीर चौहान। ये 10 सिंगर कल आपके सामने होंगे, और आई मीन दिस कमिंग सैटरडे। तो आप जरूर आइएगा, अपने बच्चों को लाइएगा, बच्चों के लिए राइड्स का बंदोबस्त किया हमने बड़े अच्छे तरीके से, फूड स्टॉल्स हर तरह का फूड आपको मिलेगा। अब और प्रॉपर्टी एक्सपो का कहने का लगाने का वहाँ पे मकसद ही एक था, हमारे बहुत सारे नए इमिग्रेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं लास्ट ईयर, तो उनको घर भी बाय करना, उनको मॉडल भी चाहिए, उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि आपको जो फ्री इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल रही है उससे जरूर फायदा उठाइएगा। बहुत एक्सपर्ट लोग जो बिल्डर्स भी आ रहे हैं वहाँ पे, दुबई से कुछ बिल्डर्स आ रहे हैं, लोकल हैं यहाँ पे लोग, रियल स्टेट से जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे अहमद भाई लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। तो आप कोई भी मशवरा लेंगे इन लोगों से तो आपको अच्छी एडवाइस मिलेगी, तो जरूर आइएगा 10 अगस्त को ब्रैम्पटन ट्रेड ग्राउंड में। तो बहुत शुक्रिया बन सके अहमद भाई, शाला भाभी आपका बहुत शुक्रिया, जिस तरह आपने रौनक लगाते हैं हर साल, तो अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे ही रखे और इसी तरह सिलसिले चलते रहे। थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ नासिर भाई के लिए। नासिर साहब और मैं, हम दोनों बहुत बिल्कुल छोटे होते थे। यस, नासिर भाई तो मुझसे बहुत छोटे, लेकिन यकीन करें ही इज अ ग्रेट बिजनेसमैन, और मैं बिल्कुल साथ कहूंगा कि नासिर भाई ने मुझे भी बड़ा सपोर्ट किया माशाल्लाह, और हर लिहाज से, दौड़ के लिहाज से, हर लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से जिसे देखा जाए। और नासिर भाई ने भी बड़े 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 प्रोग्राम किए इस कैनेडा में, बड़ा मुश्किल है वो सब कुछ करना, लेकिन नासिर भाई के लिए मौजूद तालियों कि ये जिस तरीके से इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर ले लेते और उसको निभाते, ये इन्हीं का काम है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब।